Good morning, students of standard 9. My Lakshmi Miss. आप लोगों को हिंदी व्याकरण और संस्कृत पढ़ाती हूँ, ये आप लोगों को पता है। मौन निशा के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी लॉकडाउन का समय है, दुखद समय है, कष्टदायक समय है, लेकिन इसका भी आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं। आप लोग अभी नए नए क्लास में आए हैं, नवी कक्षा में नए नए आए हैं, आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कितनी कॉपियां बनानी है नोट लिखने के लिए। आप लोगों को गद्य, पद्य, कृतिका, संस्कृत और हिंदी व्याकरण की एक एक अलग कॉपी बनानी है। कॉपियां ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। और उसमें आप लोग जैसा कि हमेशा से आप लोग बनाते आए हैं कक्षा 7 से, पहले पेज पर प्रथम पंक्ति पर आप लोग सुंदर से एक देशभक्ति या ईश्वर वंदना की एक कविता लिखेंगे और उस कॉपी को बहुत अच्छे से जैसी आपकी रुचि हो उसके अनुसार आप लोग सजाएंगे। क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है, ये काम को आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक मन लगाकर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पद्य पढ़ाने जा रही हूँ, कबीर की पहली रचना शबद और साखी। इसमें कबीर के बारे में पहले आप लोगों को कुछ बता दूं। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि थे। भक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, एक सगुण भक्ति जिसमें भक्त अपने ईश्वर की एक आकृति या रूप बना करके उनकी पूजा करता है, उनकी वंदना करता है, और दूसरा जो ईश्वर को सृष्टि के कण कण में निहारता है। उसे लगता है कि सृष्टि के कण कण में सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में ईश्वर का वास है। कवि उसी निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 1398 को हुआ था। कबीर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने सबसे लंबी आयु पाई थी, 120 साल की आयु पाई थी। 1398 में जन्म और 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें नीरू और नीमा नामक चुलाहे दंपति ने लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे से पाया था। उनके बारे में कहा जाता है न तो वे हिंदू थे न तो वे मुसलमान थे, वे ईश्वर के सच्चे भक्त थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को उनकी अंधभक्ति के लिए बहुत बहुत फटकारते रहते थे और अंधभक्ति करने वाले हिंदुओं की भी वो आलोचना करते थे, दिखावा ढोंग आडंबर से बचने के लिए कहते थे, और मुसलमानों को भी वे वही सीख देते थे कि अगर वंदना करनी है तो ईश्वर की वंदना करो, मनुष्य की सेवा करो। मनुष्य की सेवा है सच्ची ईश्वर भक्ति है। जीवों पर दया करना, सभी से प्रेम करना, ये ईश्वर भक्ति है, ना कि तिलक लगाना, अजान देना, नमाज पढ़ना, पूजा उपवास करना, व्रत करना, ये ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। उनका अपना विचार था और इसी विचार को लेकर के उन्होंने अपने बहुत सारे शत्रु बना लिए थे। इन्हीं शत्रुओं में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। कोई उनसे सीधे सीधे युद्ध करने पर उतर आता, कोई झगड़े करता, लेकिन वो अपनी मस्ती में चूर अपने ईश्वर भक्ति में वो लगे रहते थे। इन्हीं की कविताओं के बारे में मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊँगी। धन्यवाद।